एक जमाना था जब हिंदी फिल्मों में कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा ये कहना बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि कुत्ते जैसी गाली का इस्तेमाल भी रिस्की हुआ करता था। लेकिन अब सेंसर बोर्ड ने चला दी है कैंची। सेंसर बोर्ड के चीफ पहलाज नहलानी की तरफ से एक ऑर्डर आया है। उस ऑर्डर में लिखी हैं अंग्रेजी और हिंदी में वो गालियां जो अब सेंसर बोर्ड फिल्मों में जाने नहीं देंगे। कुल मिलाकर इस बात को लेकर सारे फिल्म मेकर्स बड़े खफा हैं, खासकर अनुराग कश्यप जो बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। उनका कहना है कि वो किसी भी तरह की सेंसरशिप में बिलीव नहीं करते, उसके बावजूद इस तरह के शब्दों को बैन करना और फ्रीडम ऑफ स्पीच को बैन करना ये बहुत गलत है, फिल्मों पर ऐसे बैन नहीं होने चाहिए। इसी बात को लेकर फिल्म मेकर्स इकट्ठे हो रहे हैं और मिलने वाले हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के हमारे मिनिस्टर राज्यवर्धन सिंह राठौर जी से। उनसे इस इशू पर डिस्कशन किया जाएगा 25 फरवरी को। अभी अनुराग कश्यप खुद यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर अर्बन डेवलपमेंट बाबुल सुप्रियो के साथ राज्यवर्धन सिंह राठौर जी से मिले हैं और इसके बारे में बात की है। इस पर अनुराग कश्यप का कहना है कि ये मीटिंग बहुत अच्छी गई और पहली बार गवर्नमेंट और बॉलीवुड के बीच कोई एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। राज्यवर्धन सिंह राठौर जी से काफी अच्छी बात हुई है और उम्मीद की जा रही है कि इस बैन को भी हटाया जाए। वहीं सेंसर बोर्ड के चीफ पहलाज नलानी का कहना है कि ये मेरे अकेले का डिसीजन नहीं, बल्कि ये बोर्ड की तरफ से जारी की गई गाइडलाइंस है, इसमें सिर्फ मेरा कोई हाथ नहीं है। वेल, ऐसा लगता है कि अब अगर फिल्मों में गालियां नहीं आएंगी तो फिल्में अधूरी अधूरी लगेंगी। भाई, जब हमारे आसपास की सोसाइटी में लोग इन अब्यूजिव वर्ड्स पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर फिल्मों पर कंट्रोल करके हम क्या साबित करना चाहते हैं? सवाल अच्छा है।